गुड मॉर्निंग बच्चों, वीडियो का कंटेंट है परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर 11 स्टैंडर्ड से, और टॉपिक है उसका नया परमुटेशन। अब तक हमने किया बच्चों फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग 7.1 में और 7.2 में किया हमने फैक्टोरियल नोटेशन। अब स्टार्ट करते हैं परमुटेशन को। परमुटेशन होता क्या है भाई, पहले ये बात करते हैं बच्चों अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में। परमुटेशन कुछ नहीं होता बेटा, केवल एक अरेंजमेंट होता है चीज़ों का, ठीक है ना। जैसे कि सिंपल है एक, अगर आपके पास 3 बच्चे हैं जैसे, ठीक है ना, और 3 बच्चों में दो दो का अरेंजमेंट करना हमने, तो दो दो का अरेंजमेंट क्या होगा, देखो ए बी का हो गया, बी ए का हो गया, ठीक है ना, ए सी का हो गया, सी ए का हो गया, और बी सी का हो गया, सी बी का हो गया। तो ये है बच्चों परमुटेशन, यानी कि अरेंजमेंट करना चीज़ों को, अरेंज करना, ठीक है ना। ग्रुप होता है कॉम्बिनेशन, जो आगे पढ़ेंगे हम। ग्रुप में क्या है, कॉम्बिनेशन में क्या है, प्लेस की वैल्यू नहीं होती। जैसे कि यहाँ पर आपके पास 3 बच्चे हैं और दो दो का ग्रुप बनाना आपने, टेकिंग 2 एट ए टाइम। यहाँ पर भी मैंने क्या किया था, टेकिंग 2 एट ए टाइम किया था, यहाँ पर भी, यहाँ पर मैंने अरेंजमेंट किया था। तो यहाँ पर ग्रुप बन जाएंगे इनके केवल 3, ए बी बी सी और सी ए। ए बी में से और बी ए में से कोई एक लिखना आपने, ए बी लिख दिया तो बी ए लिखने की ज़रूरत है नहीं, और बी ए लिख दिया तो ए बी लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक। ऐसे ये हैं, बी सी और सी बी में से कोई एक लिखना है, सी ए सी में से कोई एक लिखना है, क्योंकि यहाँ पर कोई प्लेस की वैल्यू नहीं होती बच्चों, और यहाँ पर प्लेस की वैल्यू होती है। जैसे कि देखो एक न्यूज़ चैनल आपको बताए, जैसे कि जी न्यूज़ ने आपको बताया कि भाई सचिन यूवी और विराट, इनको हमने टीम के लिए सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। दूसरा चैनल आज तक आपको बताए, ये आपके आपको बताया जी न्यूज़ ने, और दूसरा चैनल आज तक जैसे आपको बताए कि भाई विराट और सचिन और यूवी को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। तो दोनों एक जैसी न्यूज़ हैं या डिफरेंट न्यूज़ हैं, देखिए आप, दोनों सेम न्यूज़ हैं बच्चों। इस चैनल ने बताया कि सचिन यूवी विराट को सेलेक्ट कर लिया गया टीम के लिए, इस न्यूज़ चैनल ने बताया आपको विराट सचिन और यूवी को सेलेक्ट कर लिया गया टीम के लिए। तो दोनों की दोनों न्यूज़ क्या है, सेम न्यूज़ है बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर प्लेस की कोई वैल्यू नहीं होती। ये क्या है, कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। और अरेंजमेंट कब होगा, जैसे इनको बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया जाए, जैसे कि मैदान में उतरना है बैटिंग करने के लिए, तो एक राय तो ये है कि सचिन को पहले प्लेस पर, यूवी को दूसरे पर, विराट को तीसरे प्लेस पर लिया जाए, या फिर दूसरा ये है विराट को पहले प्लेस पर, सचिन को दूसरे प्लेस पर, यूवी को तीसरे प्लेस पर ले जाया जाए। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट किया है, ये क्या होता है, परमुटेशन। डेली लाइफ से ज़बरदस्त कनेक्शन है इसका, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं, यानी कि जो मैथ्स नहीं पढ़ते, वैसे तो दुनिया में कोई मैथमेटिक्स कोई ऐसा है नहीं कि कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट ना हो, ठीक है ना, हर कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, हर कोई मैथमेटिक्स का टीचर है। मैथमेटिक्स के बिना तो जैसे लाइफ का एक पल भी नहीं गुजर सकता। आप कोई भी जैसे कहीं पर भी कोई भी कुछ भी काम करता है, वहाँ पर मैथमेटिक्स ज़रूर यूज़ होता है। खेती बाड़ी करते समय भी मैथमेटिक्स यूज़ होता है, रेसो यूज़ करना पड़ता है बीज और खाद के लिए, अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो फसल बर्बाद हो सकती है, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही खाना बनाते समय नमक मिर्च और हल्दी वगैरह का अगर रेसो थोड़ा सा चेंज हो जाए तो वहाँ पर खाना भी ख़राब हो सकता है भाई बच्चों। यानी कि हर किसी फील्ड में मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ अगर जो मैथमेटिक्स प्रोफेशनली नहीं पढ़ते, वो भी इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, अनजाने में ही सही, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो इसका, ठीक है ना। अरेंजमेंट तो आप हर चीज़ के बनाकर देखते हो, समस्या आपके सामने जो भी आती हैं उनमें हर किसी समस्या के सोलूशन के बारे में, कितने सोलूशन हो सकते हैं, कोई भी समस्या किसी के सामने अटक जाए
तो उसके नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भाई ये सॉल्यूशन नहीं कामयाब हुआ तो ये करके देखते हैं, वो करके देखते हैं। तो यही तो है बच्चों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो भाई परम्यूटेशन सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया, अरेंजमेंट होता है परम्यूटेशन, चीज़ों को अरेंज करना, ठीक है ना। व्हेन देर आर एन डिफरेंट थिंग्स आर गिवन टेकिंग आर एट ए टाइम एंड प्लेस इज डिटरमाइंड, यानी कि प्लेस की वैल्यू हो इज कॉल्ड परम्यूटेशन, उसको परम्यूटेशन बोलते हैं जब प्लेस की वैल्यू हो। सारी भी एक साथ ले सकते हो, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट दे रखे हैं आपको तो सारे ऑब्जेक्ट भी एक साथ ले सकते हो, आप उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट भी लेकर अरेंज कर सकते हो उनको, उसको बोलते हैं परम्यूटेशन। तो इसकी पहली थ्योरम पढ़ते हैं भाई हम, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम वेयर आर लाइंग बिटवीन 0 to n इंक्लूडिंग n एक्सक्लूडिंग 0। वैसे 0 को भी इंक्लूड किया जाएगा आगे, क्योंकि 0 फैक्टोरियल को 1 प्रूव करना हमने इस वीडियो में ही प्रूव करेंगे हम कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है। नेक्स्ट, रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन एनी परम्यूटेशन इज नॉट अलाउड, परम्यूटेशन में रिपीटेशन इसमें अलाउड नहीं है भाई। गिवन बाई NPR, यानी कि NPR जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। परम्यूटेशन को डिनोट ऐसे करते हैं बच्चों, इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो आप और इस तरीके से भी डिनोट किया जा सकता है। और R की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर और N तक हो सकती है। वैसे बुक वाले ने यहाँ पर 0 के साथ इक्वल का साइन नहीं लगा, लेकिन आगे लगाना पड़ेगा इसको जब हम 0 फैक्टोरियल को 1 प्रूव कर देंगे, तो यहाँ पर 0 भी कामयाब है, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनमें से R को लेकर अरेंजमेंट किया जा सकता है। मान लो आपके पास 8 बच्चे हैं और उनमें से आप 8 के 8 को भी अरेंज कर सकते हो, 7 को अरेंज कर सकते हो, 6 को, 5 को, 4 को, 3 को, 2 को, 1 को, और आप चाहें तो किसी को भी अरेंज ना करें। यानी कि 8P1 हो सकता है, 8P2 हो सकता है और 8P8 तक हो सकता है, 8P9 नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि 8 बच्चों में से 9 बच्चों का अरेंजमेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो 8P8 तक जाएगा और 8P0 भी हो सकता है, वैसे फ़िलहाल नहीं है यहाँ तक, क्योंकि 0 फैक्टोरियल को हमने 1 प्रूव नहीं किया है। 0 फैक्टोरियल को 1 प्रूव कर देंगे तो ये भी ले लेंगे साथ में, क्योंकि ये भी एक सेंसेबल है कि भाई 8 बच्चों में से एक का भी अरेंजमेंट नहीं किया हमने। ऐसा भी हो सकता है कि एक का भी अरेंजमेंट ना करें हम। तो चलो ये बाद में बात करते हैं 0 फैक्टोरियल प्रूव होने के बाद। तो फिलहाल परम्यूटेशन की डिनोटेशन ये है, बुक में इस तरीके से डिनोट किया गया, आपकी बुक में NCERT में भी और एलिमेंट में भी लगभग इसी तरीके से डिनोट किया गया है, और हम भी इसी तरीके से डिनोट करेंगे इसको। तो इसको प्रूव करते हैं, देखो NPR यानी कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से R एक बार लेकर अरेंजमेंट करना है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, और रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा बच्चों। बहुत सिंपल बात है, देखो अगर आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स n, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं बच्चों n, ठीक है ना, और r प्लेसेस पर उनको जैसे अरेंज करना है, अरेंज एट r प्लेसेस, ठीक है ना, r प्लेसेस पर अरेंज करना है बच्चों उनको हमने। तो भाई बच्चों अरेंज करना है r प्लेसेस पर, एट r प्लेसेस, ठीक है ना। तो बच्चों सबसे पहले r प्लेसेस पर जो इनको अरेंज करना है, तो ऐसा बच्चों कि पहले प्लेस को फिल करने के लिए अपने पास n तरीके हैं, क्योंकि n ऑब्जेक्ट, n में से कोई भी एक यहाँ पर फिल किया जा सकता है, ठीक है ना। दूसरे को फिल करने के लिए n-1 है, तीसरे को फिल करने के लिए n-2 है, चौथे को फिल करने के लिए n-3 है, और rth को फिल करने के लिए n-r+1 वेज हो गए, ठीक है ना। फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग से किया मैंने ये, जैसे फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग से हमने क्वेश्चन किया था कि भाई वैकेंट सीट को फिल करना हमने ट्रेन की
ट्रेन में सीट है उनको फील करना है, उसी तरीके से मैंने इसको किया है बच्चों, ठीक है ना। इस प्लेस पर एन के एन ऑब्जेक्ट रखे जा सकते हैं, ठीक है ना, और इस पर एन माइनस वन ऑब्जेक्ट रखे जा सकते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है यानी कि नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग को पकड़ कर ही रखेंगे हम यहाँ पर, वो अपनी मर्जी से नहीं जाएगा। अपनी मर्जी से जाता तो उसके तरीके हो जाते आर, जैसे यहाँ पर अगर आदमियों को अरेंज करना होता तो आदमियों के तरीके हो जाते आर पहले आदमी के, क्योंकि वो इनमें से किसी सीट पर भी बैठ सकता है, उठकर बैठेगा, फिर बैठेगा, उठेगा, जहाँ पर उसको अच्छा लगेगा वहाँ बैठेगा। लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, इनको पकड़ कर लाना पड़ेगा, उठा कर लाना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा, यानी कि इस प्लेस को फील करने के लिए अपने पास एन तरीके हैं। फिर एक कम हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पर एक प्ले, यहाँ पर कोई भी रख दिया आपने, फिर एन ऑब्जेक्ट थे आपके पास, इसके लिए एन माइनस वन हो जाएंगे, एन माइनस टू एंड सोन, और लास्ट वाले के लिए एन माइनस आर क्यों लिखा मैंने, देखिए आप, जैसे कि तीन प्लेस हैं आपके पास और आठ ऑब्जेक्ट है रखने के लिए, तो इस पर इस प्लेस को फील करने के लिए कोई भी आठ में से एक ऑब्जेक्ट उठा सकते हैं हम, लेकिन तरीके इसको फील करने के कितने हो गए, एट, इसको कितने हो गए, सेवन, और इसके कितने हो गए, सिक्स। तो सिक्स को मैंने आर जो कि थ्री है यहाँ पर, एन जो कि एट है, एन और आर के रिस्पेक्ट में लिख दिया। देखो कैसे लिख दिया, एन माइनस आर प्लस वन, यानी कि कितना था ये, सिक्स। तो अब भी क्या है, सिक्स, देखो एट माइनस थ्री फाइव प्लस वन सिक्स, तो एट सेवन सिक्स। तो बच्चों तो भाई इस तरीके से एन पी आर को इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये एन पी आर है, एन पी आर का मीनिंग है कि देर आर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर एट ए टाइम एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो इसको इस तरीके से डिनोट किया जा सकता है बच्चों एन पी आर को, और आगे फर्दर और एक्सपेंड करेंगे तो इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। यानी कि इसको मैं क्या कर देता हूँ, अब जैसे मान लो इस तरह का केस आ गया आपके सामने, एट सेवन सिक्स है, जैसे सिक्स फैक्टोरियल, केवल सिक्स है बच्चों, तो इसको हम क्या करेंगे, फाइव फोर थ्री टू वन, इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, फाइव फोर थ्री टू वन, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे डिवाइड करेंगे ताकि इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट किया जा सके। तो अपर पार्ट को फैक्टोरियल में कन्वर्ट किया जा सकता है भाई, अपर पार्ट को, ठीक है ना। तो इसी तरह मैं यहाँ पर प्रोडक्ट कर दूंगा, एन माइनस आर, इससे एक कम कर दिया, फिर एक कम कर दिया, एन माइनस आर माइनस वन, और लास्ट में टू और वन, थ्री टू वन। ठीक ऐसे लोअर पार्ट को भी एन माइनस आर, एन माइनस आर माइनस वन एंड सोन, थ्री टू और वन। तो अपर पार्ट क्या हो जाएगा आपका, एन फैक्टोरियल, और लोअर पार्ट क्या हो जाएगा आपका, एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो एन पी आर का फार्मूला निकल कर आया है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन पी आर का ये फार्मूला बच्चों, आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों, थ्योरम द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम इज एन पी एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल, यानी कि एन पी एन जो है वो एन फैक्टोरियल के इक्वल होता है, ये प्रूव करना हमने, ठीक है ना। तो भाई बच्चों एन प्लेस हैं अब की बार और एन ही ऑब्जेक्ट हैं इनमें फील करने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि आपके पास चार प्लेस हों, फाइव ले दिए मैंने, फोर प्लेस हैं और फोर ही ऑब्जेक्ट, फोर प्लेस एंड फोर ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो देखिए बच्चों इनको फील कैसे कर सकते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग से। इसको फील करने के अपने पास फोर वेज हैं, क्योंकि चार में से कोई एक भरा जा सकता है, फिर एक भर दिया तो उसके बच जाएंगे फिर तीन प्लेस, मतलब इसके इसको फील करने के लिए अपने पास चार ऑब्जेक्ट थे। देखो जैसे ए बी सी डी, तो मैंने यहाँ पर सी पुट कर दिया, जैसे तो सी पुट कर दिया, तो अब मेरे पास इसको फील करने के लिए तीन तरीके हैं, इन तीनों में से कुछ भी फील कर सकता हूँ। जैसे मैंने ए फील कर दिया यहाँ पर, अब इसको फील करने के कितने तरीके मेरे पास, दो, तो मान लो ये फील कर दिया मैंने यहाँ पर, और इसको फील करने का केवल एक ही तरीका मेरे पास, ठीक है ना। तो फोर फैक्टोरियल किस
किसके इक्वल, फोर फैक्टोरियल था ये, तो 4p 4 और 4 फैक्टोरियल सेम हो गए। ठीक ऐसे ही अगर आपके पास n प्लेसेस हैं, ये n प्लेस हैं आपके पास और n ही डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं बच्चों, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो भाई इस प्लेस जैसे n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, जैसे ए बी सी डी एंड सोन टू n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, टू n यानी कि कुछ भी लेटर लगा लीजिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के तो 26 ही हैं, और कुछ भी लगाएंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा साई फाई म्यू लैम्डा, कुछ भी लगाकर n ऑब्जेक्ट ले लेते हैं इनको। तो इसको फील करने के अपने पास तरीके हैं n, तो मान लो आपने यहाँ पर b पुट कर दिया, फिर दूसरे के हो जाएंगे n माइनस वन, फिर हो जाएंगे n माइनस टू एंड सोन, इस तरीके से लास्ट के बच जाएंगे वन, ठीक है ना। जैसे इसमें लास्ट के वन बच गए, सारे ख़त्म हो जाएंगे प्लेस और सारे ऑब्जेक्ट ख़त्म हो जाएंगे, लास्ट में तो एक ही बचेगा ना, जैसे कि वो तरीका था n माइनस आर प्लस वन, लास्ट में ये बचता था, तो r अब की बार क्या है n, तो n माइनस एन जीरो यानी कि वन, तो लास्ट का वन बच जाएगा। तो भाई इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, इसको लिखा जा सकता है n फैक्टोरियल, तो n p n जो है वो n फैक्टोरियल के इक्वल होता है। नेक्स्ट है भाई, तो n p n किसके इक्वल आ गया बच्चों, n फैक्टोरियल के इक्वल। और नेक्स्ट है इसमें कि जीरो फैक्टोरियल वन क्यों होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जीरो फैक्टोरियल वन क्यों होता है, क्योंकि भाई वन फैक्टोरियल का तो समझ में आ गया कि वन और वन का प्रोडक्ट है, यानी कि वन फैक्टोरियल, वन से वन तक का प्रोडक्ट, टू फैक्टोरियल जो है वन से लेकर टू तक का प्रोडक्ट हो गया, थ्री फैक्टोरियल वन टू थ्री का प्रोडक्ट हो गया, यानी कि सिंपली जो फैक्टोरियल है वो कंजेक्टिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है सिंपली, और कुछ भी नहीं है। जैसे वन टू थ्री फोर का फैक्टोरियल हो गया, वन टू थ्री फोर का प्रोडक्ट हो गया ये, ठीक ऐसे ही जीरो फैक्टोरियल वन क्यों होता है ये देखना हमने। देखो तो सबसे पहले एन पी एन एन फैक्टोरियल है, एन पी आर जो है आपका एन पी आर वो किसके इक्वल था, एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल, तो इनका यूज करते हैं हम। देखो तो एन पी एन निकालता हूँ मैं, एन पी एन सिंपली हमने प्रूव कर दिया एन फैक्टोरियल के इक्वल है, और अब इस तरीके से एन पी एन निकालते हैं एन पी एन, तो ये आ जाएगा एन फैक्टोरियल और एन माइनस एन यानी कि जीरो फैक्टोरियल। अब दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो दोनों की राइट साइड इक्वल हो जाएगी, तो राइट साइड इक्वल होगी तो एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर वन आ गया, यहाँ पर वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन, ठीक है ना। तो जीरो फैक्टोरियल इसलिए वन होता है बच्चों। अब इससे आगे आपने क्या है कि कुछ रिजल्ट याद कर लेने हैं इसके, ये स्पेशल रिजल्ट हैं बच्चों, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे ये, तो मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। जैसे एन पी आर हो गया किसके इक्वल, एन माइनस, ये मिस्टेक हो गई भाई बच्चों, ये किसके इक्वल है, एन फैक्टोरियल, ये था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पर बिल्कुल ठीक यूज़ किया था, n p n को मैंने इस तरीके से किया था, n फैक्टोरियल और लोअर पार्ट में n माइनस n यानी कि जीरो फैक्टोरियल, ठीक है ना। लिख दिया गलत बच्चों, लेकिन ये वहाँ पर यूज़ ठीक किया मैंने, जीरो फैक्टोरियल बनाते समय। और n p n वैसे हम किसके इक्वल दिखा चुके हैं, n फैक्टोरियल के इक्वल, तो इन दोनों को इक्वल रखने से जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ गई थी, वन, ये मिस्टेक हो गई थी भाई बच्चों, एन पी आर इसके इक्वल होता है, ठीक है ना। तो एन पी आर हो गया एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब एन पी एन की वैल्यू अभी अभी निकाली हमने, एन फैक्टोरियल हो गई, अब यहाँ पर वन रखते हैं, देखो एन पी वन, तो ये एन फैक्टोरियल हो गया और लोअर पार्ट में एन माइनस वन फैक्टोरियल, तो अपर पार्ट को ब्रेक करेंगे n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल में ब्रेक करेंगे, लोअर पार्ट से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा n, यानी कि एन पी वन क्या आ जाएगा, n के इक्वल, सिंपली n के इक्वल। एन पी एन माइनस वन निकाल ले अगर हम,
तो अपर पार्ट में एन फैक्टोरियल और लोअर पार्ट, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि इन दोनों का डिफरेंस करेंगे एन माइनस एन प्लस वन, फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया और वन फैक्टोरियल क्या होता है वन, तो एन पी एन माइनस वन किसके इक्वल आ गया एन फैक्टोरियल के इक्वल। फिर एन पी जीरो निकालेंगे अगर तो ये फार्मूला, ये बेसिक फार्मूला है ये लगेगा सबके ऊपर, एन फैक्टोरियल एन माइनस जीरो फैक्टोरियल यानी कि एन फैक्टोरियल ये क्या आ जाएगा वन। तो जीरो रख दिया हमने यहाँ पर, वन रख दिया, एन माइनस वन रख दिया, एन रख दिया और ये मेन था ये, तो आपने ये वैल्यू याद रख लेनी बच्चों, क्वेश्चन करते समय काम आएंगी ये। तो भाई वीडियो का कंटेंट कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट एक्सरसाइज टू करते हैं अब इसकी, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ में आए, फिर भी कोई प्रॉब्लम है बेटा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आप।